Hello students, good morning. Today I am present here to prepare a video on third chapter of class 7th English reader. The chapter name is Daffodils, students. Okay? And its poet is William Wordsworth. William Wordsworth. Okay, students? William Wordsworth was born on 7th April 1770 and died on 23rd April 1850. Okay? William Wordsworth का जन्म 7 अप्रैल 1770 में और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुआ था. Okay? उनका जन्म काकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था और इस में जो उनका जो द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ हाउस. स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के काकरमाउथ नामक गांव में. ठीक है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आइए अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी मदर का नेम था एन कॉक्सन. ओके? और उनकी सिस्टर का नेम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ. डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको जानना होगा क्योंकि पोयम में उनका रिलेशनशिप है, थोड़ा सा उनके साथ दिखलाया गया है कि वे वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ दोनों लोग घूमने जाते हैं और घूमते समय उनको बहुत सारे डैफोडिल्स दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं से उनको प्रेरणा मिलती है और यह पोयम लिखा जाता है. आइए बच्चों, आज अब बताते हैं थीम ऑफ द पोयम. ओके, विषय वस्तु, पोयम का विषय वस्तु. ऑन 15th April 1802 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर पास्ड फ्रॉम उल्स वाटर बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट लेक है इंग्लैंड में, सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इंग्लैंड. इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा झील उल्स वाटर है. तो 15 अप्रैल 1802 ईस्वी को वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर दोनों लोग इस झील से गुजर रहे थे, जा रहे थे. ओके बच्चों, इट इज दिस विजिट दैट गेव वर्ड्सवर्थ द इंस्पायरेशन टू राइट दिस हिज मोस्ट फेमस पोएम डैफोडिल्स. यह वही भ्रमण है बच्चों जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को यह डैफोडिल नामक फेमस पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था. ओके बच्चों, डैफोडिल्स रिटेन इन 1804. ओके, 1804 ईस्वी में सबसे पहले डैफोडिल्स पोयम लिखा गया था एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 और पहली बार यह 1807 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसमें 3 स्टैंजास थे. उस पोयम में कितने स्टैंजास थे? 3. एंड देन उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद फाइनल वर्जन बच्चों ओके इन 1815 में पब्लिश हुआ. 1815 में डैफोडिल का फाइनल वर्जन जिनमें 4 स्टैंजास थे उनका पब्लिशमेंट हुआ था. ठीक है, आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पोयम को एक्सप्लेन करना और शुरू कर रहे हैं. आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ओके बच्चों, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. यहाँ पर बच्चों आई जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज हुआ है. वर्ड्सवर्थ कहते हैं क्या, आई वेंडर्ड लोनली. वेंडर्ड मीन्स होता है moving or passing without any aim.
ओके, बिना किसी मकसद के घूमना। तो पोएट जो है वर्षवत जो है बादलों के जैसे, जिस तरह से बादल घूमता है इधर उधर, फ्लोट करता है ऊपर वेल्स में, पहाड़ियों में और वादियों में, घाटियों और पहाड़ियों में जिस तरह से बादल चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वैसे ही पोएट भी जो है वादियों में घूम रहा था, टहल रहा था। ओके, तो घूमते टहलते हुए दिखलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इस इन लाइंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, एज कंपेयर किया जा रहा है, क्लाउड को पोएट के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है ना। पोएट जो है घूम रहा, किसके जैसे घूम रहा है, जैसे क्लाउड घूमता है आकाश में, ओके, वादियों में पहाड़ियों में, वैसे ही पोएट भी जो है उन वादियों में घूम रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्हीं स्टेंजा में बच्चों पर्सनिफिकेशन भी हुआ है यूज, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। जैसे क्लाउड घूमने का काम जो होता है बच्चों ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन यहाँ पर क्लाउड को भी घूमते हुए दिखलाया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, अतः पर्सनिफिकेशन हुआ है। ओके, जैसे ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। साथ ही साथ निचली जो लाइन है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, इसमें यच जो साउंड है बच्चों दो बार यूज हुआ है, ठीक है ना, रिपीट हुआ है, यच वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, इसने तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ओके, तो इन दो पंक्तियों में आप लोगों को तीन तरह के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी मिला। ओके, पहली पंक्ति में सिमिली हुआ है, दूसरी पंक्ति में पर्सनिफिकेशन हुआ है, और दूसरी ही पंक्ति में हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स में यच यच का रेपिटेशन हो रहा है, अतः एलिट्रेशन है। के बच्चों, When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो जब पोएट जो है ओके वादियों और पहाड़ियों में बादल की भांति घूम रहा था, तभी एकाएक उसे एक भीड़ दिखाई पड़ा, क्राउड दिखाई पड़ा, झुंड दिखाई पड़ा, और वह झुंड किस चीज का था, डेफोडिल का था, फ्लावर का था। ओके, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, होस्ट मीन्स होता है ग्रुप, होस्ट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, डेफोडिल फ्लावर। तो एक्चुअली जो होता है बच्चों, डेफोडिल जो होता है गोल्डन कलर का होता है, ठीक है ना। तो डेफोडिल का एक बहुत बड़ा सा समुदाय समूह उन्हें दिखाई पड़ता है उन वादियों में, ठीक है, जिस रास्ते से होकर के डोरोथी और विलियम वर्थ घूम रहे थे, जा रहे थे, वहीं पर उन्होंने एकाएक एक झुंड देखा डेफोडिल, सुनहरे रंग के डेफोडिल का एक बहुत बड़ा समूह ग्रुप उन्होंने देखा। ओके, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये डेफोडिल जो थे बच्चों लेक के बगल में थे, जो झील था, ठीक है, झील के बगल में डेफोडिल थे, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे लाइन से जो था डेफोडिल के प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके, और ये जो थे डेफोडिल वो हिल डुल रहे थे, नाच रहे थे, जैसे मानो हवा में वे खुश होकर के नाच रहे हों, एकदम बिल्कुल नाचते हुए प्रतीत होते थे। तो बच्चों फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ पर डांस करने का, मूव करने का जो है एक्शन कौन कर रहा है, डेफोडिल कर रहा है, अतः यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन हुआ है। ऐसे ही बच्चों
ऊपर वाली पंक्ति है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, इसमें बी साउंड जो है रिपीट हुआ है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज में बी रिपीट हुआ है, अतः एलिट्रेशन है। ओके। और उसके प्रीवियस वाले में आपने देखा हैव होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना? कौन सा फिगर आप स्पीच हुआ है? पर्सनिफिकेशन। तो इस तरह से ये पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है। आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके। पोएट बादलों की तरह, जैसे बादल जो होता है वादियों में पहाड़ियों में किस तरह से घूमता है तैरता है, वैसे ही पोएट भी जो है अकेले घूम रहा था। ओके। व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, तभी अचानक पोएट जो है एक झुंड दिखता है, और वह झुंड जो होता है बच्चों सुनहरे रंग के डेफोडील होते हैं, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब यहाँ पर सिचुएशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि डेफोडिल्स का झुंड कहाँ पर था। डेफोडिल्स का जो ग्रुप था बच्चों लेक के बगल में था, झील के बगल में था, ट्रीज के नीचे था, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ट्रीज। ओके। अब यहाँ पर जो डेफोडिल्स थे वो क्या कर रहे थे इसके बारे में बता रहा है कि डेफोडिल जो थे बच्चों फ्लटर कर रहे थे, नाच रहे थे, चल फिर रहे थे हवा में, ठंडी हवा चल रही थी, उस हवा में ये सब डेफोडिल के पौधे खुश होकर के नाच रहे थे। बहुत ही मनोरम दृश्य था, प्लीजेंट सीन था। ओके। दूसरा स्टेंजा बच्चों, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यहां पर बच्चों बताया जा रहा है कि डेफोडिल जो थे जिस तरह से स्टार्स चमकते रहते हैं मिल्की वे में, टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही झील के किनारे तथा पेड़ों के नीचे ये डेफोडिल जो थे ये भी चमकते हुए नाचते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओके। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, दे स्ट्रेच्ड, बच्चों इसमें दे वर्ड जो है डेफोडिल्स के लिए यूज हुआ है, वे एक ऐसी मतलब उनका विस्तार इतना अधिक था कि वह कभी भी समाप्त नहीं हो रहा था। जितना दूर तक पोएट का जो है दृष्टि जाती थी दूर दूर तक उसे गोल्डन फ्लावर दिखता था। ओके। एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और बे में सोता बच्चों खाड़ी, या छोटा सा समझ लीजिए कि सी है, या लेक कह लीजिए वह झील, तो झील के किनारे दूर दूर तक काफी दूरी तक जो है डेफोडिल सुनहरे रंग के फैले हुए थे। तो दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन जो है बच्चों यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? हाइपरबोल। ओके। एक्सग्रेशन किया गया है। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मेरी जब दृष्टि एक बार पड़ती है तो मैं 10,000 को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? डेफोडिल्स को। 10,000 डेफोडिल्स आई सा एट ए ग्लांस। ओके। यहाँ पर भी हाइपरबोल यूज हुआ है, मतलब एक ही झलक में मैं 10,000 डेफोडिल देख लिया। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जब हवाएं चलती थी तो डेफोडिल्स जो था वे उनका सिर हिल रहा था, वे खुशी से नाच रहे थे। तो इस अंतिम स्टेंजा में, अंतिम लाइन में बच्चों पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है।
और 10,000 सा आई एट ए ग्लांस में हाइपर बोल्ड है। ओके चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, इस तरह से दूसरा स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। डैफोडिल्स जिस तरह से मिल्की वे में आकाश गंगा में जिस तरह से असंख्य तारे जो होते हैं टिमटिमाते और चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अनंत संख्या में असंख्य संख्या में डैफोडिल्स जो थे झील के किनारे तथा पेड़ों के नीचे चमकते हुए नाचते हुए दिखाई पड़ते थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे कभी भी समाप्त न होने वाली पंक्ति के रूप में दिखाई पड़ते थे, अर्थात उनका विस्तार अनंत था। एलांग द मार्जिन ऑफ ए बे, उस झील के किनारे, मार्जिन मींस द किनारा, एज बैंक, तो झील के किनारे जो थे डैफोडिल्स वो फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, और एक झलक में मैं 10,000 डैफोडिल्स को देख लेता था। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और ये डैफोडिल थे ये खुशी से अपना सिर हिला हिला करके नाचते हुए दिखाई पड़ते थे, बहुत ही खुश होकर के नाचते थे। जैसे कोई व्यक्ति खुश होता है तो नाचने लगता है, वैसे ही डैफोडिल्स जो थे वो भी बहुत खुश थे और वे नृत्य कर रहे थे। बच्चों अगला स्टैंजा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, डैफोडिल के बगल में क्या था, लेक था, झील था, जिसको बे भी कहा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो ये उनमें वेव्स थी, लहरें थी, लहरें भी डांस करती थी, नाचती थी, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन डैफोडिल्स का जो डांस था वह नाचते हुए लहरों, जो खुशी से लहरें नाच रही थी, उनको आउटडिड कर रहे थे। उनको मतलब क्या, डैफोडिल्स का जो डांस था वह लहरों के डांस से मनोरम था, अधिक सुंदर था, अधिक आकर्षक था। ए पोएट कुड नॉट बट बी के, कभी जो हो सकता है बच्चों वो कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल और केवल वह खुश हो सकता है, तो कुछ नहीं बल्कि वह खुश हुआ। इन सच ए जो कंड कंपनी, इस प्रकार के प्रसन्नतादायक संगति में वह बहुत ही खुश हो गया, उसके अंदर की जो कुछ भी एकाकीपन था ओके वह दूर हो गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कभी कहता है बच्चों कि मैं देखता रहा, उन्हें घूरता रहा, टकटकी लगा करके घूरता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैं ये सोच नहीं पाता था, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि यह जो दृश्य था डैफोडिल्स का, जो दृश्य था उसने मुझे कौन सा खजाना दे दिया, इस खजाने के बारे में मैं सोच नहीं पाया था। ओके मैं सोच नहीं पाया था। इसी स्टेंजा को एक बार और बता देते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ए पोएट कुड नॉट बट बी के इन सच ए जोसंड कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट That wealth, what wealth, the show to me had brought. Okay, daffodils के बगल में जो झील था, झील में लहरें नाचती हुई दिखाई पड़ रही थी, खुशी से झील की लहरें नाच रही थी, परंतु daffodil का जो नृत्य था
ठीक है ना, झील के नृत्य, झील में जो लहरों की वेव्स की जो डांस थे, नृत्य थी, उसको वह धुंधला कर देती थी, मध्यम कर देती थी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और ऐसे दृश्य में, ऐसी सिचुएशन में कभी कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह एक सुखद संगति का आनंद उठा सकता था। तो कवि जो है उस दृश्य को देखकर के काफी खुश होता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड प्राप्त। आगे जो है कह रहा है पोएट कि मैं देखता रहा, घूरता रहा, किसी घूरता रहा, डेफोडिल्स को नाचते हुए घूरता रहा, और उसके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि यह डेफोडिल का जो दृश्य था वह मेरे लिए कौन सा खजाना, कौन सी संपत्ति लाया था। ओके बच्चों, आखिरी स्टैंजा बच्चों, फार आप वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड, जब कभी मैं बिना किसी काम के काउच पे, सोफे पे मैं लेटता हूँ, बैठे रहता हूँ, आर इन पेंसिव मूड या दुखी अवस्था में, दुखी दुखी दशा में जब मैं अपने सोफे पे लेटा रहता हूँ, ओके, दे फ्लैट अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो वे मिस डेफोडिल की जो स्मृति है, मेमोरी है, वह मेरे आंतरिक आई, इनवर्ड आई मीन्स होता है ब्रेन, माइंड, तो माइंड में एक फ्लैश उत्पन्न करती है, एक चमक उत्पन्न करती है, खुशी की लहर जो उत्पन्न करती है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जिसके कारण मैं अकेलापन को या अकेलेपन को इंजॉय करने लगता हूँ, अर्थात मेरे अंदर का दुख जो है समाप्त हो जाता है। ओके, तो ये बच्चों ये पोयम था, इस पोयम को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके।